Hello everyone, welcome to BSc Live. So today we will solve questions regarding ancient history. So before we start the question session, I would like to tell you कि आपका जो ancient history है किसी भी government exam के लिए उसमें there are few chapters which are important because there are so many students who just do not read history just because it's boring. But at the same time when you read history वाला part, so you need to give more focus on modern history, but still there are few questions which will come from your ancient history. So ancient history में कुछ कुछ chapter है जो कि मतलब आपको selective chapters ही करने हैं. उसमें से आपका गुप्ता dynasty is one of the most important chapter जहाँ से questions आ सकते हैं. ठीक है, plus one more thing. So when we say गुप्ता dynasty, most of the people they get confused between चंद्रगुप्त मौर्य and गुप्ता डायनेस्टी. ठीक है, सो देर इज डिफरेंस बिटवीन ह्यूज डिफरेंस बिटवीन योर चंद्रगुप्त मौर्य डायनेस्टी एंड योर गुप्ता डायनेस्टी. ठीक है, सो योर क्वेश्चन इज, सो लेट्स बिगिन द क्वेश्चन. द फर्स्ट क्वेश्चन इज हु फाउंडेड द गुप्ता डायनेस्टी. ठीक है, सो नाउ दे आर आस्किंग अबाउट द गुप्ता डायनेस्टी, नॉट चंद्रगुप्त मौर्य वाला. ठीक है, सो दिस इज गुप्ता डायनेस्टी. ठीक है, सो अगर आपके पास ये ऑप्शन आए, ये चारों अगर इस तरह से ऑप्शन आए, सो टिक ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्ता. ठीक है, सो बट द गुप्ता डायनेस्टी वॉज इनिशिएटेड एंड आपका जो उसको फाउंड किया था दैट पर्सन्स नेम वॉज श्री गुप्ता. ठीक है, अगर ऑप्शन में ये भी रहे श्री गुप्ता, सो डेफिनेटली टिक दिस वन. अगर इस तरीके से आपके पास ऑप्शन आए एग्जाम में, देन यू नीड टू टिक चंद्रगुप्ता. ठीक है, सो आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर वन इज ऑप्शन नंबर सी. Question number 2, who ruled India between 335 AD and 375 AD? So your answer should be Samudragupta. ठीक है, सो समुद्रगुप्ता जो थे वो चंद्रगुप्ता के सक्सेसर थे. ठीक है, एंड समुद्रगुप्ता वॉज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल किंग ऑफ गुप्ता डायनेस्टी. ही वॉज ऑल्सो नोन एज नेपोलियन ऑफ इंडिया. सो रिमेंबर दिस फैक्ट, ही वॉज ऑल्सो नोन एज नेपोलियन ऑफ इंडिया, क्योंकि उन्होंने जितनी भी लड़ाई की थी उसमें से रेयरली कोई लड़ाई होगी जो उन्होंने हारी थी. ठीक है, सो दैट्स वाई ही इज नोन एज नेपोलियन ऑफ इंडिया. सो आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2 इज ऑप्शन नंबर डी, समुद्रगुप्ता. Question number 3 says, during whose time period was the iron pillar in Delhi erected? ठीक है, किसके टाइम के दौरान, किसके रेन के दौरान आपका जो आयरन पिलर इन दिल्ली जो था उसको इरेक्ट किया गया था. ठीक है, सो आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्ता 2. ठीक है, चंद्रगुप्ता 2 अगेन आपके समुद्रगुप्ता के सन थे. ही वॉज अ सक्सेसर ऑफ समुद्रगुप्ता. ठीक है, जो समुद्रगुप्ता ने अपना टाइम पीरियड खत्म किया था उनको किसने सक्सेस किया था, उनके सक्सेसर कौन थे, चंद्रगुप्ता 2, हिज सन चंद्रगुप्ता 2. ठीक है, द इम्पॉर्टेंट फैक्ट अबाउट हिम इज दैट कि ही अडॉप्टेड द टाइटल ऑफ विक्रमादित्य. ठीक है, सो दिस टाइटल वॉज वेरी फेमस. इट्स नॉट दैट, एंड हिस्ट्री में ऐसे बहुत सारे किंग थे अपार्ट फ्रॉम हिम, 14 to 15 किंग्स थे जिन्होंने ये वाला टाइटल अडॉप्ट किया था. उसमें से जो फेमस था जिन्होंने ये टाइटल अडॉप्ट किया था वॉज चंद्रगुप्ता 2. सो योर आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्ता 2. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, हु एस्टेब्लिश्ड हिज कैपिटल एट सकाला. हु एस्टेब्लिश्ड हिज कैपिटल एट सकाला. सो योर आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर बी मिहिरकुला. ठीक है, सो यू शुड रिमेंबर दिस नेम, ही इज अ वेरी इंपॉर्टेंट किंग एज वेल बिकॉज देर आर, जब आपके एंशियंट हिस्ट्री में हम लोग जैनिज्म एंड बुद्धिज्म पढ़ते हैं, ठीक है, प्लस बुद्धिज्म जब पढ़ते हैं तो बुद्धिज्म के एंड का एक सेशन आता है. इट्स सेशन इन द सेंस कि बुद्धिज्म किस तरीके से फिनिश हुआ था. ठीक है, सो जैसे कि आपके जैनिज्म का एक पीरियड था, आपके ऋग्वेद का एक पीरियड था. ठीक है, तो उसी तरह से आपके पास बुद्धिज्म का भी एक पीरियड था जिनको खत्म किया गया था. एंड दैट किंग वॉज वन ऑफ द किंग वॉज मिहिरकुला. ठीक है, हु किल्ड सो मेनी बुद्धिस्ट मंक्स जस्ट बिकॉज कि दे वॉन्टेड कि बुद्धिज्म नहीं चले एंड ब्राह्मणिज्म का टाइम आए. ठीक है, सो ही वॉज ऑल्सो देयर. सो आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर बी मिहिरकुला.
क्वेश्चन नंबर 5, हु मेड मिहिरकुला अ प्रिजनर. ठीक है, सो मिहिरकुला को प्रिजनर किसने बनाया था? सो योर आंसर शुड फॉर क्वेश्चन नंबर 5 शुड बी ऑप्शन नंबर ए, बालादित्य. ठीक है, सो बालादित्य वॉज अ पर्सन हु इन्वेडेड मगधा. ठीक है, बालादित्य वॉज अ पर्सन हु इन्वेडेड मगधा, तो उन्होंने मिहिरकुला को प्रिजनर बनाया था. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, हु वेलकम्ड अलेक्जेंडर एंड हिज मैन. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, द आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर ए, अम्बी. ही वेलकम अलेक्जेंडर एंड हिज मैन एंड ही वॉज अ किंग ऑफ तक्षशिला. ठीक है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस ऑफ एंशियंट हिस्ट्री, सो ही वेलकम्ड अलेक्जेंडर एंड हिज मैन. क्वेश्चन नंबर 7, हु वॉज द रूलर ऑफ द किंगडम बिटवीन द रिवर झेलम एंड चेना. सो आंसर शुड बी योर ऑप्शन नंबर सी, किंग पोरस वॉज द लीडर ऑफ लीडर ड्यूरिंग द बिटवीन द किंगडम ऑफ रिवर झेलम एंड चेना. एक्चुअली किंग पोरस को अगर आपने किंग पोरस के नाम पे नहीं सुना होगा तो हिज एक्चुअल नेम वॉज पुरुषोत्तम. ठीक है, एंड he was from Puru dynasty. So these are the fact about him. So for question number 7, answer should be King Porus, who earned the title of liberator. ठीक है, this is one of the common question which comes in your exam of in any government exam जो कि आपके ancient history से related है. Who earned the title of liberator? The answer should be option number D, Chandragupta Maurya. ठीक है, and why he was known as the liberator? Because he saved Indians from the invasion of Greek. ठीक है, उनके invasion से Indians को बचाया था, that's why he is known as the liberator. He got the title of liberator. क्वेश्चन नंबर 9, हु रोट मुद्रा रक्षा. ठीक है, सो मुद्रा रक्षा इज अगेन वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट एंड इट इज अ कॉमन क्वेश्चन फ्रॉम योर एंशियंट हिस्ट्री, सो योर आंसर शुड बी विशाखा दत्त. ठीक है, सो कौटिल्य के और जिसको हम लोग और क्या बोलते हैं, चाणक्य के अर्थशास्त्र है ना, अर्थशास्त्र एंड विशाखा दत्त का ये मुद्रा रक्षा वॉज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट जिसके थ्रू हमें क्या पता चलता है, गुप्ता एज का जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है उसके बारे में हमें पता चलता है. ठीक है, ओके, नॉट जस्ट गुप्ता इन द सेंस की सॉरी, मौर्यन एज का आपका एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हमें पता चलता है. ओके, क्वेश्चन नंबर 10, हु फाउंडेड द सुंगा डायनेस्टी. सो इफ यू नो द नेम प्रॉपरली, ठीक है, बिंदुसारा कहाँ पे था, चंद्रगुप्त मौर्य कहाँ पे था, खरवेला कहाँ पे था, पुष्यमित्र कहाँ पे था, सो यू वुड डेफिनेटली नो, वुड बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन. सो पुष्यमित्र का जो नाम था, इट्स पुष्यमित्र सुंगा. सो ही वॉज द फाउंडर ऑफ सुंगा डायनेस्टी. ठीक है, सो फॉर क्वेश्चन नंबर 10, आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर डी. So we will finish today's session yahi pe. So if you have any doubts regarding any question, you can put them in our comment section below. Thank you for watching this video.